लॉकडाउन के मद्देनजर जहां मजदूर वर्ग आर्थिक समस्या से लगातार जूझ रहा है, वहीं कुछ दिनों पूर्व हुई सब्जी वालों पर व्यापारियों पर धारा 151 की कार्रवाई के बाद उनके परिजनों द्वारा कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई गई। रोते बिलखते परिजन कलेक्टर कार्यालय के बाहर घंटों खड़े रहे, लेकिन ना तो वहां उनकी सुनने वाला कोई मौजूद था और ना ही कोई सहारा। ये भैया प्रशासन की अनसुनी। वहीं आस लगाए मजदूरों के परिजन वहां पहुंचे तो उनकी बातों को दरकिनार करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े इन बेबस लोगों की बात सुने बिना कलेक्टर साहब वहां से चुपचाप निकल गए। वहीं मजदूरों के परिजनों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसके बाद वहां भी परिजनों को घंटों खड़ा रखा गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी शायद वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को नजर नहीं आया। जमानत की अर्जी के बाद परिजन जेल के बाहर भी इंतजार करते नजर आए। इस पूरी प्रक्रिया में मजदूरों के परिजनों को 2 दिन इधर उधर भटकने पर मजबूर होना पड़ा। मजदूर वर्ग रोज कमाता है और रोज खाता है, क्या सरकार द्वारा सब्जी व फुटकर व्यापारियों को इस तरह की सजा या कृत्य करना कहाँ तक सही है? एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर मजदूरी करके रात को अपने घर का चूल्हा जलाता है, उन लोगों के साथ इस तरह का सलूक कहां तक सही है? लाचार गरीब मजदूर के परिजन जमानत की व्यवस्था कहां से की होगी, यह तो शायद वही जानते हैं। पहले इस महामारी ने जनता को तोड़ा, अब प्रशासन का यह रवैया मजदूरों को तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।